तो अभी हम जा रहे हैं गन्ना चोरी करने। ये चोरी नहीं बोलते इसको। सिक्स लेन हाईवे मिला है अभी 7:10 हो गए हैं और बचे हैं हमको 326 किलोमीटर। तो अगर हम कंटिन्यू ड्राइव करेंगे ना तो हम 2:30 पहुंच जाएंगे। अब जाने हम ये प्यार क्या है। देखो जी हम है सोलापुर सिटी के अंदर, वही वाला सोलापुर जो सोलापुर से मंगाया डीजे। अगर आप भी अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हो तो दिल थाम के हिम्मत करके तभी लेके आना। सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग, राम राम, स्वागत है आप लोगों का हमारी गोवा ट्रिप की एक और नई वीडियो में। और हमारी गोवा ट्रिप का ये तीसरा दिन है। अभी फ़िलहाल हम गोवा पहुँचे नहीं हैं। हम निकले थे परसों घर से, 1900 किलोमीटर था, फिर हमने 700 किलोमीटर कवर किया। और कल हमने कितना कवर किया हमको याद ही नहीं क्योंकि हम सो गए थे। और ये बताएंगे हमारे, ये इधर आओ जरा। कल हमने कितना कवर किया है? 400-500 किलोमीटर के आसपास। बस कल बहुत कम कवर किए, कल निकल 3-4 घंटा कहीं रुके भी थे ना। हाँ, और रात में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, क्या हुआ था? रोड इतनी भयंकर खराब थी, मतलब अब हार मान लिया था कि अब गाड़ी चला नहीं पाएंगे। और तो उसके बाद एरिया इतना बेकार था, समझ नहीं आ रहा था, कहीं ढाबा कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, होटल भी नहीं मिल रहा था। यही एडवांटेज होता है जब आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल करते हो, कुछ नहीं मिलता तो आप अपनी गाड़ी में, जैसे कि ये हमारी गाड़ी है, इतनी गंदी हो गई लेकिन अंदर पूरी क्लीन है, इसी में हम लोग रात भर सोए। और ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है। चले आगे, अभी कितना बचा है हम आगे चल के गाड़ी में देख के बताते हैं क्योंकि हमको भी याद नहीं है कि अभी कितना बचा हुआ है। लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज रात तक हम पहुंच जाएं, है ना। 700 कुछ किलोमीटर रह गया है, 700 कुछ नॉन स्टॉप चलेंगे कवर कर लेंगे। तो भाई आज ज्यादा रुकना नहीं है, है ना वंश, बार बार मत बोलना। आज ज्यादा रुकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप चलेंगे जिससे आज पहुंच जाएं क्योंकि तीसरा दिन है, 3 दिन से ज्यादा नहीं। यार इतने टोल टैक्स पड़ रहे हैं, इतने टोल टैक्स पड़ रहे हैं, लेकिन रोड एकदम रद्दी, एकदम रद्दी। देखो सुबह सुबह अभी 7 बजे हैं, 7 बजे सनराइज हो गया, धूप निकली मस्त एकदम। देखो यहाँ पे, चलो अब बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं। चलो बैठो बैठो बैठो, सामान वामान रख दिया पीछे, चलो ये लीजिए। देखो भाई यहाँ ठंडी नहीं है, उसके बाद भी ओस पड़ी थी जिसकी वजह से ये देखो। नहीं जी ऐसी बात नहीं, सुबह शाम ठंड है, मतलब अपने यहाँ के जैसे नहीं है, अपने यहाँ इतनी भयंकर ठंड की इस टाइम तो धूप ही नहीं निकली रहती। 7 बजे उजाला होता है, यहाँ देखो धूप निकल आई है। इतनी धूप तो हमारे यहाँ 10 बजे होती है ना दीदी। क्या हुआ दीदी, देखो चुन बचुन लगा। चला 3 दिन से कपड़वा पहने पहने बेकार लग रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, उब गए, लेकिन क्या करें, उतना रुक के कहीं पे 4-5 घंटे तो जाएंगे नहाने धोने में, इसलिए हम लोग उतना नहीं वो कर रहे हैं। और एक बात, इकट्ठा नहाएंगे स्विमिंग पूल में। तो अभी हमने लिया है हमारा आज का पहला ब्रेक, और जहाँ पे हम रुके हैं ये देखो बहुत बड़ी सी दुकान है, देख के ही रुके हैं कि खूब सारा खाने को मिल जाए। और ये लड़का पीछे उसमें देख रहा है, यहाँ पे कह रहा है हमको वड़ा पाव खाना है। देखो हमारी 3 चाय आ गई है, इतनी मीठी। महाराष्ट्र में आके वड़ा पाव ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने छपा था, वंश बोल रहा था खाना है, इस वाली दुकान में नहीं मिला, आगे वाले में गए, उन्होंने गरम गरम ला के दिया है। अच्छा है दीदी, बढ़िया, सुबह सुबह अगर गरम गरम कुछ नाश्ता मिलता है दिन अच्छा होता है, नहीं लगता है पूरा दिन खराब। डियर ये लो, अब हम आगे निकलेंगे। अभी तक हीटर चला रहे थे, अब लग रहा है एसी चलाना पड़ेगा ना। ये देखो जी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरी रोड वगैरह बन रही है। और अभी आ गई है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के ऊपर हम चल रहे हैं। देखो पानी, और अभी यहाँ से लगभग 76 किलोमीटर बचा है। अभी हमको आज लगेंगे 14 घंटे 9 मिनट, 676 किलोमीटर है। ये देखो भाई बैलगाड़ी से गन्ना लद के जा रहा है, हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती। बाय बाय। यहाँ पे ये है हल्दी के खेत, यहाँ हल्दी के खेत और गन्ने के खेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो गन्ना दिख रहा है, इधर गन्ना दिख रहा है और गन्ना बिक रहा है। ये देखो ये डियरवा रोको तोड़ा जाए, ये देखो सब गन्ना गन्ना है। चाचा अमरुदवा कैसे दे रहे हैं? अमरूद, अमरूद 70 रुपए किलो। तो भाई हमको तोड़ना था गन्ना, देख देख के ललचा रहे थे इसलिए रुके हैं। दादाजी हमारी भाषा समझ नहीं पाते, हम उनके नहीं समझ पाए, मजे मजे तुम्हारा बर्फ पड़ते हो हाँ? अब
बारा है तो खाता तो है, एक किलो क्या मना रहा। अरे दादाजी 250 ग्राम चाहिए, 250 ग्राम 200 ग्राम रखिए, उल्टा तो रखे। हाँ कितना है ये? 200 ग्राम कौन खाएगा इतना? खा लोगी? देखो हम सब उतर के वहीं सब तौले ला गए हैं। चलो हो गया, बराबर है। 70 रुपए किलो है ना? 35 हुआ ना? 35 हुआ ना? हाँ ठीक है। नमक वमक दे दीजिए, सॉल्ट ये भी रख दीजिए, पन्नी में डाल दीजिए। दादाजी बिल्कुल नहीं समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ कट कर दीजिए, ये खराब है का? नहीं नहीं कई तो है ना। अब भाई हाँ हाँ चांगला है। हाँ इसको थोड़ा निकाल दीजिए चक्कू से। तो अभी हम जा रहे हैं गन्ना चोरी करने। ये चोरी नहीं बोलते इसको? नहीं मतलब हमने पूछा है, चोरी नहीं करेंगे, बस एक ही चाहिए हमको। जब से देख रहे हैं लाला चाह रहा है, लाला चाह रहा है। लो डियर टाइम बहुत कम है। चलो 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 खा लेगा हार बचा के, आराम मजाक नहीं। जिंदगी में पहली बार आज खेत से गन्ना तोड़े, हमारी दिली तमन्ना पूरी हो गई। तो गन्ना वन्ना ले चलियो का? छोड़ो दीदी, हमारे यहाँ लाल लाल गन्ना होता है, छोटा छोटा तोड़िएगा। देखो बोलती है ले पकड़ो, वंशवा वैसे उसको नहीं देना है। तो देखो जी हम पहुंचे हैं इंडियन ऑयल, यहाँ से हमको ऑयल लेना है, तेल भराना है अपनी गाड़ी में, पेट्रोल। और ये हमारी इस ट्रिप का तीसरा है जब हम फुल टैंक करवाएंगे, अगर अच्छा होगा तभी करवाएंगे। दो बार फुल टैंक किए थे, अब तीसरी बार करवाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो पहले पूछ तो लो, अभी हमको ज़्यादा फ्यूल के बारे में पता नहीं है कैसे क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या बोल रहे थे आप उस दिन? डेंसिटी मतलब और तेल की क्वालिटी ना, कितना प्योर है। क्या रेट है यहाँ? क्या रेट है अवन ने करा था कौन है? क्या रेट है पेट्रोल का दाम? 108। चलो है? वो तो 7-6 बोल रहे हैं। आराम से सबसे अच्छा पेट्रोल पता किसका रहता है? रिलायंस का। तो रिलायंस यहाँ मिला ही कहाँ है? रोका था लेकिन पेट्रोल नहीं था ना वहाँ। ₹3172 का आया पेट्रोल, आगे भी मिलेगा भी। अब जाने हम ये प्यार क्या है। ओके जी, तो अभी आफ्टरनून के बजे हैं 2 और 2 बजे हमने लिया है एक बड़ा सा ब्रेक। यहाँ पे हम रुके हैं 1-1.5 घंटे तक रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे खाएंगे खाना। कंचन जी रुकी हैं खाना खाने के लिए इस ढाबे पे, और यहाँ पे गन्ने चू रही हैं। महादेव जाओ अपन निकाल के लेके आवे। महादेव जा मम्मी इसको दो निकाल दे, जाइए इसको भी दे दीजिए। यहाँ खाने में बहुत मन खराब हो रहा है क्योंकि हमने बोला था आलू शिमला मिर्च की ड्राई सब्जी चाहिए, इसमें भी ग्रेवी और ये भी पता ही नहीं चल रहा कौन दाल है कौन सब्जी है। लेकिन अब क्या करें, जहाँ आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही, अपने घर जैसा मिलेगा नहीं। आलू हम ले ली, बाकी सब कुछ सबका दही दही थी। ले अपन इनके निकालो, मम्मी दो तुमने निकालो, ला रोटी दो रोटी। देखो जी हम है सोलापुर सिटी के अंदर, वही वाला सोलापुर
जो सोलापुर से मंगाया डीजे, मेरा गाना बजा दो, वही वाला सोलापुर है। और मैप हमको इतना घुमा रहा था, बच गए नहीं तो हमारा चालान हो जाता, बीच में घुसा दिया सिटी के बीच में, समझे में नहीं आ रहा था, फिर किसी तरह निकल के बाहर आए हैं। देखो जी सोलापुर में भी मेट्रो बन रहा है, आई थिंक पहले से चल रहा है कि नहीं, बीच में वहाँ पे कटा हुआ है, दिख नहीं रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए हमने आपको दिखा दिया। 6 लेन हाईवे मिला है, अभी 7:10 हो गए हैं और बचे हैं हमको 326 किलोमीटर। तो अगर हम कंटिन्यू ढाई करेंगे ना तो हम 2:30 पहुंच जाएंगे। बट ये हमारे डियरवा के ऊपर है कि डियरवा क्या करता है, हमको रास्ते में रुकवाता है कि डायरेक्ट लेके जाता है। तो ये देखो जी एक और टोल गेट आ गया है, टोल गेट। और अभी जब से अच्छी रोड मिल रही तब से टोल गेट आना शुरू हो गया। ये बताइए ये मतलब जब से हम निकले हैं होगा कितने नंबर का होगा? 17-18 टोल टैक्स। कितना अब तक पैसा कटा? 25-26 सौ के आसपास। सोचो 25-26 सौ तो हमारा अब टोल टैक्स ही हो गया। अभी हम गोवा पहुँचे नहीं है और 3 बार हम पेट्रोल डला चुके हैं 3,000 से ऊपर का, 32-33 सौ का गोवा पहुँच के पूरा बताएंगे। अगर आप भी अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हो तो दिल थाम के हिम्मत करके तभी लेके आना। वहाँ घूमेंगे तो कम से कम मान चलो कि 25,000 के 30,000 के आसपास पेट्रोल जाएगा। तो पेट्रोल यहाँ महंगा है ना, 108। हमारे यहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है। हो गया, धन्यवाद। देखो जी जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं उनको हम बता दें कि जब से हम चले तब से ट्रेन अब दिखी है, हमको लगा इंजन ही केवल है, अभी ट्रेन दिखी, वो माल गाड़ी है, दूरी दिखाई थी, दिखा तो ना हुई। तो देखिए जी अभी है टाइम 9:35 और 5:19 दिखा रहा है, 218 किलोमीटर है, 2:55 पे हम लोग पहुँचेंगे, धीरे धीरे चला चला के जाएंगे।